अगर आप भी लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी काम कराना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारे काम को एक्सेस कर सकते हो, जैसे RC डाउनलोड करना, DL डाउनलोड करना, DL रिन्यू करना, डुप्लीकेट लाइसेंस या RC को मंगाना, ऐसी बहुत सारे काम जो भी RC ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड होती हैं वो सारे काम आप इस एप्लीकेशन के मदद से कर सकते हो। सिर्फ एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम है एम परिवहन। इसकी वेबसाइट पर आप बाकी चीज़ें करते हो बट इसके एप्लीकेशन के थ्रू भी की चीज़ें आप ऑनलाइन ही कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरफेस शो होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो साइन इन करने के लिए कह रहा है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक आपको फ़ोन नंबर डालना है और क्रिएट एम पिन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप फ़ोन नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हम वेरीफाई कराएंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी MPIN डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जो अभी आपने MPIN बनाया उसी MPIN से आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो लॉगिन होने के बाद देख सकते हो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो माई वर्चुअल DL, माई वर्चुअल RC दोनों ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर, चेसी नंबर और इंजन नंबर डालना होगा, लास्ट का 5 डिजिट। ये आप डाल दोगे तो आपका RC डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पहले कर रखा हूँ। नीचे देख सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा व्हीकल नंबर से मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रखा है ऑलरेडी। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे RC डाउनलोड कर लिया है। RC डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको RC देखने को मिलेगा। आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिकल RC या फिर लाइसेंस कैरी करने की। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ही दिखा सकते हो ट्रैफिक पुलिस वाले को, वो आपको जाने देंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे DL भी डाउनलोड कर सकते हो, वर्चुअल DL। तो यहाँ पे DL के लिए आपको DL नंबर डालना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ आपका फिल करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे DL भी डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये मेरा DL है। DL भी मैंने इसी प्रकार से डाउनलोड कर रखा है। तो ये भी आपको फिजिकल कैरी करने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ोन में इसको रख सकते हो। इसी तरीके से इसके अंदर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ और यहाँ पे सर्विसेज दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे माय डॉक्यूमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं, जो जो हमने अभी डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि मैं RC डाउनलोड कर रखा हूँ और एक DL डाउनलोड कर रखा हूँ, तो वो मेरे को यहाँ पे शो होगा। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे RC और DL दोनों ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे, तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे न्यू ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन मिल जाता है इशू ऑफ डुप्लीकेट DL। अगर आप डुप्लीकेट DL इशू करना चाहते हो, डुप्लीकेट लाइसेंस मंगवा सकते हो। इसी प्रकार से DL को रिन्यू करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर पाओगे, रिन्यूअल ऑफ DL पे क्लिक करके। ऐसे ही यहाँ पे अगर DL में एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जितने भी सर्विस अभी अवेलेबल है वो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सारे सर्विसेज को आप एक्सेस कर पाओगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की। एक ही एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे काम कर पाओगे। DL या RC में अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। इसी प्रकार से अगर आप अपने व्हीकल पे, आपके व्हीकल पे कोई चलान है तो चलान भी आप यहाँ से देख पाओगे। देख सकते हो चलान रिलेटेड सर्विस में आते हैं तो यहाँ पे चलान का आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे चलान स्टेटस, चलान पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, यहाँ तक कि आप चलान की रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। व्हीकल और DL रिलेटेड सर्विसेज सारे ही आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। आपको कहीं भी अलग वेबसाइट पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।